मंगलवार यानी 17 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्ला के लड़ाकों और डॉक्टर्स के कई पेजेस में एक साथ ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में सबको हिला के रख दिया है। अचानक लेबनान और सीरिया के कई शहरों में हिजबुल्ला लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हजारों पेजर फट गए, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 4000 से भी ज्यादा लोग जख्मी हो गए। इस हमले के पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। साथ ही ये ब्लास्ट होने का एक नया तरीका है और हमले के इस नए तरीकों को लेकर कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। लोगों को इस ब्लास्ट से हैरानी हो रही है, साथ ही लोग ये भी जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि आखिर ये संभव कैसे हुआ। हैकिंग, चिप बम या और कौन सा तरीका है जिसका इस हमले से इस्तेमाल हुआ होगा? आज क्राइम तक अपने इस वीडियो के जरिए आपको उस हमले से जुड़े कई सवालों का जवाब देगा। पहला सवाल, पेजर ब्लास्ट के पीछे किस तरह की तकनीक और साइंस शामिल है? पेजर साधारण रेडियो डिवाइसेस होते हैं जिनसे छोटे मैसेजेस या सिग्नल रिसीव किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल खास तौर की रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए होता है। अगर किसी को ऐसे डिवाइसेस से विस्फोट करने हैं तो उसे रिमोट से ट्रिगर होने वाले एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करना होगा जिसे पहले से पेजर में छिपाया गया हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पेजर लोगों तक पहुंचने से पहले कंपनी में ही टेम्पर किए गए हो या फिर पेजर के अंदर कोई हथियार छिपाया गया हो, वो भी चुपके से। इस तरह के अटैक फ्रिक्वेंसी जाम करके हैकिंग या वायरलेस सिग्नल कंट्रोल के जरिए भी हो सकते हैं। इसके लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID का इस्तेमाल किया जाता है। वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को खराब किया जाता है या फिर पेजर की तकनीक का ही सहारा लेकर उसमें रखे विस्फोट को ट्रिगर किया जाता है। दूसरा सवाल, क्या इससे पहले कहीं और पेजर ब्लास्ट हुए हैं? नहीं, ये दुनिया में अपनी तरह की पहली घटना है। लेकिन इजराइल इससे पहले भी कई कंपनियों के प्रोडक्शन लाइन को प्रभावित कर चुका है। सितंबर 2023 में ईरान को मिसाइल देने वाली कंपनी के मिसाइलों को स्टक्सनेट का इस्तेमाल किया। ये सॉफ्टवेयर को प्रभावित करके विस्फोट कर देती है। तीसरा सवाल, हिजबुल्ला के लड़ाके आपस में बात कैसे करते हैं? उनका कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? हिजबुल्ला के लड़ाके आपस में बातचीत करने के लिए पेजर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनसे किसी पर नजर रखना आसान नहीं होता। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्ला के लड़ाके तीन तरह के पेजर का इस्तेमाल करते हैं। पहला मोटोरोला LX2, दूसरा टेलीट्रिम और तीसरा गोल्ड अपोलो रग्स पेजर AR924। तीनों का काम सिर्फ मैसेजेस सेंड और रिसीव करना था। हजारों हिजबुल्ला लड़ाकों के पास सिर्फ पेजर है। हिजबुल्ला का मानना था कि पेजर स्मार्टफोन की तुलना में ट्रैक या हैक करना आसान नहीं होगा, इसलिए इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। चौथा सवाल, इजराइल कैसे घुसा हिजबुल्ला के पेजर सिस्टम में? इजराइल की जासूसी संस्था मोसाद के पास काफी इनोवेटिव और जटिल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक है। वो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन सिग्नल इंटरसेप्ट कर सकते हैं, हैकिंग कर सकते हैं, मॉलवेयर इंप्लांट कर सकते हैं। वो हिजबुल्ला के सारे पेजर्स पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस ने बड़ा रोल प्ले किया है। इस तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम में घुसपैठ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटरसेप्शन तकनीक और इंसानी खुफिया नेटवर्क की जरूरत होती है, जिसका मैच इसराइल ने बखूबी किया है। पांचवा सवाल, क्या हमले के लिए खास पेजर चुने गए थे या ऐसे ही फोड़ दिए गए थे? इजरायली को ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए इनके सारे डिवाइसेस की ट्रैकिंग थी। संचार का बहाव देखा होगा ये पता करने के लिए इनमें से कौन सा पेजर सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उनके इस्तेमाल का पैटर्न क्या है, रेडियो ट्रांसमिशन का इंटरसेप्ट क्या है। इसके बाद पता किया होगा कि किस पेजर को टारगेट करना है और बस कर दिया धमाका। छठवां सवाल, क्या वर्तमान के साथ ऐसा हमला संभव है? हाँ, तकनीकी तौर पर पेजर में विस्फोट करना संभव है या किसी भी तरह के डिवाइस जिसमें किसी भी तरह का विस्फोटक हिस्सा लगा हो। इन्हें रिमोट से कंट्रोल करना आसान होता है। मोबाइल का इस्तेमाल बरसों से IED के तौर पर हो रहा है। पेजर जैसे यंत्र को फोड़ने के लिए बहुत ही जटिल और सेंसिटिव प्लानिंग की जरूरत होती है, साथ ही एकदम सटीक नॉलेज होना चाहिए। कहाँ है पेजर, कितना नुकसान करेगा, किस कम्युनिकेशन नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है,
सातवां सवाल, क्या किसी जासूसी संस्था द्वारा मोबाइल से इस तरह का हमला किया गया है? जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने कई बार मोबाइल का इस्तेमाल इस तरह के हमले में किया है, लेकिन किसी जासूसी संस्था या सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा ऐसा करने की खबर दुर्लभ है या अत्यधिक खुफिया है। मोसाद ने हमले टारगेट किए हैं, ऐसे हमले जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ हो। इसमें 2008 में हिजबुल्ला के मिलिट्री कमांडर इमद मुगनियो हैं, जिसकी कार दमक्शी में उड़ा दी गई थी।